डिफरेंट बॉडीज रिएक्ट इन नोबडी बट वी डोंट टॉक अबाउट इट एंड वी शुड. हमने तो बहुत से टॉपिक्स को आज टच किया है. दैट्स आवर स्टार्ट टू क्रिएट कन्वर्सेशंस एंड अवेयरनेस ताकि इंशाल्लाह सोसाइटी बेहतर हो सके, ज्यादा अच्छी चीजें हो सके, लोग सीख सके, जो कुछ डर रहे हैं कुछ स्टेप्स लेने से वो बहादुरी करके ले सके. तुम देखना है जब ये लगेगा इसके नीचे ये बड़ी आई हैं फलाना है, मैं आपको बताऊं मैंने दुआ पढ़ के इस्लाम का ये कर रही हैं, फलाना कर रही हैं. मैं तो पहले से कह रही हूँ जो दिल में आए करना, जो दिल में आए लिखना. अगर बात नहीं समझनी अकल की तो मत समझना, और अगर समझ जाओगे तो सबके लिए बेहतरी है. लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आमीन सुम्मा आमीन. क्योंकि मैं इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने नियत की थी और अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह इस इंटरव्यू करने का मकसद मेरा ये है विच अल्लाह नोज कि क्या है. तो अब आगे फिर एवरी थिंग इज़ इन योर हैंड. सो बट आपका टाइम निकाल के आना अपनी शूट में से हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू बुलाने के लिए. बहुत शुक्रिया. दिस वाज लॉन्ग ड्यू. आई नो एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी मैनेज टू डू इट बिकॉज मुझे लगता है आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात की है एंड आपने बहुत ऑनेस्टली एंड ओपनली फ्रेंकली चीज़ें डिस्कस की हैं जो बहुत से लोगों को हेल्प करेंगी. मुझे इस बात पे यकीन है. मेरा अपना थॉट प्रोसेस भी बहुत सी चीज़ों के बारे में. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो ज़रूर लगाना है. इसका रीज़न एक और भी है बिकॉज आई हैव सो मच लव एंड सपोर्ट. आई नो मैं जिस इंसान की अपने मियाँ की बात कर रही हूँ, जो मेरे इन लॉज हैं, चाहे मेरी नंदे हैं, माई सास, दे सपोर्ट मी एंड दे अंडरस्टैंड मी. And I have that security कि मैं ये बात कर सकती हूँ. बिल्कुल. You know, and you need to have people like